Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Simranjeet Kaur. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you have, thank you so much. So in today's video, I'm gonna do a Nykaa haul. Here I will show you that the products which I have purchased earlier or nowadays I have purchased. So without wasting any time, we just go straight to the video. So first of all, आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे सारे के सारे मॉइस्चराइजर्स खत्म हो चुके थे, तो मैंने एक ये भंडार सा मैंने मंगवाया अपने मॉइस्चराइजर्स के लिए. ये दो मेरे पॉन्ड्स के हैं, ये मेरा निविया का है और ये मेरा वैसलीन का है. सो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं. सो सबसे पहले तो है ये वैसलीन की पेट्रोलियम जेली. ये मुझे अपने लिप्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. ये मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिप्स को हाइड्रेट कर देता है ये. तो अभी तक मतलब और भी लिप बम्स यूज़ करें, ऐसा नहीं कि मैं नहीं यूज़ करती, तो मुझे मन था तो मैंने ये मंगवा लिया. अगर आप कुछ चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो. और एक और बात, अगर आप मेरी कोई भी चीज़ बताई हुई में से अगर आप ख़रीदते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना या फिर मुझे DM कर देना कि लाइक यू हैव रिकमेंडेड मी एंड आई हैव जस्ट परचेज्ड इट एंड आई लव इट और नॉट लव इट. मतलब कि अगर आपको अच्छी लगी हो या ना लगी हो तो मतलब एक बार बताना ज़रूर कि आप मतलब कि मेरी रिकमेंडेशन से भी कोई कुछ आप चीज़ें लेते हो. उसके बाद मैंने मंगवाए हैं ये निविया सॉफ्ट. ये प्रोडक्ट्स मतलब कि जो ये तीनों मैंने जो मॉइस्चराइजर्स जो मैंने मंगवाया ना, इसमें से एक भी नहीं है कि जो मुझे अच्छा ना लगा हो. इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है हमारी स्किन को. लाइट मॉइस्चराइजर्स हैं बट ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी स्किन टाइप्स के लिए हैं, तो आप लोग इन सब के लिए जा सकते हो. तो ये वाला है, ये है निविया सॉफ्ट विटामिन ई. सो मैं इसको बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो. ये काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ठीक ठाक है. फिर दूसरा है ये पोन सुपर लाइट जेल. इस मॉइस्चराइज़र की एक ख़ास बात है, जो लिखा है वैसा ही है कि लाइट मॉइस्चर सुपर लाइट जेल है ये. सीरियसली बता रही हूँ, जब भी मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई क्रीम लगाई है पहली बात, और मैंने कोई प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई किया. इट्स जस्ट फील लाइक आई एम अप्लाइंग वाटर ऑन माई फेस. सो इट्स सो सूदनिंग एंड इट्स सो गुड. सो यू कैन जस्ट गो फॉर इट, इट्स गुड इन्वेस्टमेंट. कोई ज़्यादा महंगी भी चीज़ नहीं है ये. और फिर है ये पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइज़र. ये मैं इसकी खुशबू मुझे मतलब इसकी स्मेल मुझे इतनी अच्छी लगती है, इसकी जो फ्रेगनेंस है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है कि मतलब जब भी सामने मेरे को नज़र आती पड़ी हुई बस स्टार्ट अप्लाइंग इट, बस मैं यही करती रहती इसको, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे. एक और चीज़ में से मतलब बहुत सारे लोगों का मुझे DM मैसेज सब कुछ आ रखा है कि हम लोगों को मॉइस्चराइज़र चाहिए बट हमें ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट नहीं करना, तो कौन से मॉइस्चराइज़र्स के लिए हम लोग जाएं. तो अगर मैं कहूँ तो आप लोग इन सब के लिए भी जा सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी चीज़ों पर जाओ. ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज करते हैं, और मॉइस्चराइज मतलब जो सबसे आपको मॉइस्चराइज करता है ना, बस आप वही चीज़ ले लो. और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब अगर थोड़े सस्ते हैं तो मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं. अपने मेकअप से पहले इसको लगाओ, आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कोई ड्राइनेस नहीं होगी वो. तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस, दीज आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, जो कोई इतने महंगे भी नहीं हैं और ठीक है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो. देन आई हैव ऑर्डर्ड दीज नेल पॉलिशेज. सो दिस वन इज़ आई हैव जस्ट आई एम वेयरिंग इट wearing this one. So this is very good, you know, this Faces Canada, it is a very cheap and very good quality. So वो quantity के साथ quality भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं. आप सब कोई भी शेड ले लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ये. और एक ये नेल पॉलिश, मतलब मैंने जितनी बार ये लगाई है मुझे हर एक एक बंदे ने पूछा है कि ये मुझे बता दो कौन सी नेल पॉलिश है. तो अब मैं आपको एक बार दिखा भी रही हूँ आप सबको कि ये है नायका की, लेवेंडर शेड था है शायद से, तो जो भी शेड था मैं आपको 71 नंबर है. मैं आपको इस लिंक, आप ये मत सोचना कि मतलब जो जो चीज़ आपको दिखा रही हूँ अगर आपको ना मिल पाए तो आप ये मत सोचना कि आपको मैं कैसे ढूंढूँ. तो आपको सारे के सारे लिंक्स जो उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सो आप इस ये वाली भी बहुत अच्छी, हल्की सी मतलब अगर मैं इसके कंपेयर करूँ तो ये थोड़ी सी महंगी है बट ये बहुत अच्छी है, तो आप जा सकते हो इसके लिए. बट मैं आपको कहूँगी ये सबसे ज़्यादा अच्छी, मतलब इतनी अफोर्डेबल और बहुत ज़्यादा अच्छी कि आपको क्वांटिटी के क्वालिटी भी मिल रही है और क्वांटिटी के साथ आपको क्वालिटी भी मिल रही है. तो आप ये कोई भी आप लो, काफ़ी अच्छी है. आप लोग देख सकते हो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है ये वाले की भी. तो आपने मेरी ये वाली भी नेल पॉलिश मेरे वीडियोज़ में या फिर मेरे इंस्टाग्राम अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने मेरी देखी होंगी कि मैं ये नेल पॉलिश हमेशा मैं इसी को लगाती हूँ ज़्यादातर, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. उसके बाद मैंने मंगवाए थे ये एंगेज के पॉकेट परफ्यूम्स. सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आई मीन लव इन दीज परफ्यूम्स.
एज दिस वन इज कूल एक्वा एंड दिस वन इज स्वीट ब्लॉसम. मतलब इसकी फ्रेगरेंस, ओह माय गॉड, इसकी मतलब सच में बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है. और ये मतलब मैं चूज़ नहीं कर पाती मैं कौन सा लगाऊँ, कोई भी लगा लो दोनों बहुत अच्छे हैं. और ये मतलब काफ़ी सही ऐसे पॉकेट परफ्यूम लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको पॉकेट में भी डालते तो पता नहीं चलता है कि मेरे पॉकेट में कुछ डाला हुआ है. तो आप इसको कहीं भी रख सकते हो अपने पास, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसके अंदर आई थिंक 250 स्प्रेज हैं और ये काफ़ी सस्ता भी है, 60 रुपीज़ का है ये शायद. तो एक तो मैंने दोनों मंगवाए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. अगर आपको परफ्यूम चाहिए लाइक जो आप बैग में कैरी कर सको आराम से, वो ये है, तो आप इसके लिए ला सकते हो. पॉकेट में भी आ जाते हैं, हैंडी हैं, अच्छे हैं, तो जा सकते हो, सस्ते भी बहुत हैं. उसके बाद मैंने मंगवाई थी रेवोल्यूशन की दो पैलेट्स मैंने मंगवाई थी. एक है ये रेवोल्यूशन रीलोडेड न्यूट्रल्स और ये वाली है रेवोल्यूशन रीलोडेड वेलवेट रोज. अब इस ना पैलेट की मुझे खास बात ये लगती है लाइक आप ये मैंने सेल मतलब सेल चल रहा था उसके ऊपर कॉम्बो मिला है मुझे 950 की दो आ गई. मतलब एक जो सी 900 की है, मतलब मैं अगर मैं एक लेने जाऊँ तो मेरे 1800 रुपीज़ लग जाएंगे. तो मैंने ये 950 रुपीज़ में ही मैंने दोनों खरीदी. तो अगर आप चाहो तो ये ऐसी मतलब ऐसे कॉम्बोज होने की कोशिश किया करो ताकि आपको कम पैसे में भी ना ढंग की चीज़ और ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिल जाए. तो मैंने ये 950 में दो पैलेट्स लिए और ये काफ़ी अच्छी पैलेट है. अगर आपको लोगों के पास अगर अभी तक आपने आई पैलेट्स नहीं खरीदी हैं या फिर खरीदना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो कुछ भी, तो इसके लिए ज़रूर जाओ. ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनके पिगमेंट बहुत अच्छा है, मेन चीज़ तो पिगमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा. तो मुझे तो काफ़ी सही लगता है, ये गोल्डन कलर है, ये देखो ये ब्लैक कलर है और दिस ब्राउन, मतलब काफ़ी अच्छे कलर हैं सारे. इसमें मैट भी हैं इसकी, ये मतलब यूज़ करके दिखा देते हैं आपको ज़रा, ये देखो मतलब इसमें सारे मैट भी हैं, सारे शिमरी भी. आपको मतलब एक ही पैलेट में आप एक पूरी आई लुक क्रिएट कर सकते हो. तो आपको ये दोनों पैलेट्स अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, मैं लिंक डालूंगी नीचे बीच में, तो आप देख लेना. ये बहुत ही अच्छी पैलेट्स है, मतलब इसके अंदर से आपका ना आईब्रोज का भी काम हो जाएगा, आपके ब्लश का भी काम कर देगा ये, और आपके हाइलाइटर का भी काम कर देगा ये. और जैसे होता है ना कि अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो आप फटाफट में क्या चीज़ यूज़ करें, तो अपनी पैलेट्स को देखा करो उसमें आपको कैसे मिले. जैसे आपको ये है, आपको इतने ब्लश के कलर्स मिल रहे हैं इसके अंदर, आपको हाइलाइटर के कलर्स मिल रहे हैं, आपको इसमें आप अपनी कॉन्टोरिंग कर सकते हो, पूरी आई लुक क्रिएट हो जाएगी इससे, मतलब हर एक चीज़ हो जाएगी, आपको सही चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसके बाद मैंने मंगवाया था फॉर एवर 52 का कंसीलर. इससे मैंने गलती करी, मैंने गलती से अपना शेड गलत मंगवा लिया, ये कैरमल शेड मैंने मंगवा लिया था जो मेरी स्किन टोन के बिल्कुल ही मैचिंग है, बिल्कुल सेम. तो अब मैंने चेंज तो मैं करा नहीं पाई कि मैं भूल गई थी कि मैंने गलत चीज़ मैंने मंगाई. मैंने बहुत टाइम बाद इसको खोल के देखा कि मैं अब देख लूँ कैसा है, तब तक उसका वो ख़त्म हो चुका था कि आप इसको रिटर्न कर सकते हो. तो मैंने सोचा कि अपने मेरे लिए वेस्ट हो गया, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई वेस्ट वेस्ट नहीं हुआ. इसको मैंने एज कलर करेक्टर यूज़ करना शुरू कर दिया. कि जैसे आपने कलर करेक्शन में कितने सारे कलर्स आपने सुने हैं, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, एक पीच कलर भी होता है. तो एज अ पीच कलर आई एम यूजिंग इट माय कलर करेक्टर. तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा शेड गलती से भी आ जाए जो आपकी स्किन टोन से डार्क होता है, तो अगर आपको लगता है कि अभी वेस्ट हो गया, तो एज अ कलर करेक्टर यूज़ करो, एज अ कॉन्टोरिंग यूज़ करो, मतलब उसको वेस्ट मत करो. अगर गलती से भी आ जाए उसको चेंज नहीं करा सकते, जैसे कि मैं चेंज नहीं करा सकती, तो एज अ कलर करेक्टर आई एम यूजिंग इट. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. और वैसे अगर मैं सही भी शेड आता तो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है. एज यू नो डेट फॉर एवर के तो सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ भी लो बहुत ही अच्छा है. तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस कंसीलर. और एक और अफोर्डेबल में बहुत ही सस्ते में अगर आपको कोई कंसीलर कोई भी चीज़ या स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स लो, हर एक प्रोडक्ट इतना चीप, क्वालिटी इतनी अच्छी कि आपको मज़ा आ जाएगा वो प्रोडक्ट यूज़ करके. जैसे कि मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर मंगवाया था, इसकी मतलब यू नो इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे तरीके से कंसील कर देता है मेरी अंडर आइज़ को, मतलब जहाँ मैं इसको यूज़ करती हूँ बहुत ही अच्छा है. जस्ट गो फॉर दिस, इट्स गुड इन्वेस्टमेंट, यू जस्ट गो एंड ट्राई दिस. आई वुड रियली रिकमेंड यू दिस कंसीलर. ये मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा मंगाया था, काफ़ी अच्छा है ये. मतलब इसका जो ये वॉन्ड सा है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. वॉन्ड ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ना अच्छा सा लगता है, ये बहुत ही अच्छे से आपकी आई लैशेज़ को ये कर्ल कर देता है. तो
तो अगर आप चाहो तो इसके लिए आप जा सकते हो, बहुत अच्छा है। सो उसके बाद मैंने ये मंगवाया था कलर बार का, ये हाइड्रा वाइट अंडरवाइज के लिए है। अंडरवाइज के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट अभी तक मुझे कोई नहीं लगा, बहुत यूज़ करे मैंने बट ये काफ़ी अच्छा है। ये मतलब जैसे लगाओगे आपको उसी वक्त ही एक क्या बोलते हैं, एक इंस्टेंट, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, क्यों ना उसी वक्त आपको वो मिल जाएगा रिजल्ट, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा इसके साथ। बट हाँ, ये नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब है कि वो उसी वक्त ही आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर का ऐसा लगता है कि मतलब हाँ कुछ लगाया है तो कुछ ठीक लग रहा है मुझे। तो अगर आप इसको 15 दिन लगाओगे रेगुलर यूज़ में, इसकी अच्छे से मसाज करो इस क्रीम के साथ, तो आपके अंडर आइज़ काफ़ी सही हो जाएंगे। और एक और टिप मैं देना चाहती हूँ आपके अंडर आइज़ के लिए, मुझे हमेशा इसका भी ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है कि हम अपने अंडर आइज़ के लिए क्या करें, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ करो, एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ करो, टाइम पे सोओगे आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे वहाँ पे। और अगर आपको फिर भी कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, आप नहीं सो सकते हो टाइम पे, इसके लिए जाओ, काफ़ी अच्छा है ये। एज मतलब जैसे रोलर टाइप्स होते हैं बट ये रोलर नहीं है, बट हाँ इसी एप्लीकेटर टाइप है। इसके अंदर आप आराम से क्रीम निकालो, ये देखो ये आराम से क्रीम निकली, ये आराम से मैंने थोड़ी निकाली क्रीम निकली। इसी पे रखो, इस तरीके से अप्लाई करो, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, या फिर 10 मिनट कर लो, 20 मिनट के लिए एक अपनी आइज़ को 20 मिनट दे दो, मसाज करो रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा यहाँ। तो अगर आप चाहो तो इट्स अ रियली 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 गुड इन्वेस्टमेंट, इट्स बिट एक्सपेंसिव, तो ज़्यादा भी नहीं है, बट हाँ अगर आप चाहो तो आप इसके लिए जा सकते हो। कलर बार का है ये, दिस इज़ हाइड्रा वाइट, इफ़ यू वॉन्ट सो जस्ट फॉर इट। उसके बाद अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैंने नायका की बहुत सारी ना मैंने लिपस्टिक्स मंगवा रखी थी, ये और ये नायका की सारी, मतलब ये। अगर आप लोग लिक्विड लिपस्टिक नहीं यूज़ करते हो कि आपको मैट फिनिश चाहिए होता है, बट इसलिए आप लोग सिर्फ मैट वाली यूज़ करते हो, लिक्विड वाली नहीं यूज़ करते। दीज आर द लिक्विड लिपस्टिक्स बट दे गिव फिनिश ऑफ मैट। तो अगर आप इसको यूज़ करो, मैं इसका थोड़ा स्वॉप सा भी करके दिखा देती हूँ, ये देखो ये है पूरी लिक्विड, बट जब भी आपके लिप्स पे अप्लाई होती है ये बहुत ही सही लगती है। अगर आपको जैसे मैं अगर आप वीडियो में वैसे देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वो लग रही है कि बहुत ज़्यादा वो है लिक्विड, बट जब ये सूख जाती है तो इतनी अच्छी लगती है ये। और ये ऊपर से इसका स्टे बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं हटती है। तो अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हो लिक्विड लिपस्टिक, आप ये भी लिक्विड लिपस्टिक एक बार यूज़ करके देखो, तो आप यही मंगवाओगे। और अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए, कि आपको और भी ऑप्शन होनी चाहिए, तो ये है एक्सपोज की, ये तो मेरी बेचारी दोनों ख़त्म हो चुकी है, मैंने फिर से न्यू मंगवाई थी। ये भी बहुत अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा सस्ती और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा। हाँ बस इसमें एक ये दिक्कत ज़रूर है कि ये ना मिट जाती है थोड़े टाइम बाद, ये देखो ये न्यूड, तो इससे अच्छा न्यूड तो मैंने भी और कोई अच्छा भी नहीं लगा। ये देखो काफ़ी अच्छा है, दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है, ये अलग है। तो आप इसको आपको सारे के सारे अब इसके स्वॉचेस करके दिखा दिए, हर एक लिपस्टिक के भी, आई शेडो के भी, एक्सपोज लिपस्टिक के भी, नायका लिपस्टिक के भी। तो अगर आप इसमें से कोई भी एक भी चीज़ अगर परचेज करते हो तो कमेंट में डाल देना, या मुझे डीएम कर देना, लाइक आई परचेज अ थिंग दैट यू रिकमेंडेड अस। सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू लेट मी नो दैट इट हेल्प्ड यू और नॉट। एंड yeah, so I will meet you super soon in my next video. Till then, bye bye, take care.